गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस। वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडेक्स क्वेश्चन 12.2। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें रिएक्शंस दी गई हैं, इनके हमें प्रोडक्ट को बताना है, प्रोडक्ट बनाने हैं इनके। फर्स्ट रिएक्शन, बेंजीन प्लस C2H5 COCl गिव्स किस के प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2 के प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रिएक्शन है? R, यानी इसमें बेंजीन प्लस RCOCl, यानी कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है? RCO ग्रुप बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो सिंपली इसमें क्या होगा, बेंजीन पे क्या होगा, C6H5CO ग्रुप जुड़ जाएगा और क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? CO C2H5, यह हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपली कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जो कि आपने 11th में पढ़ी है और लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ी हुई है। नेक्स्ट, C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD प्लस 2CH3 COCl, ये वाली रिएक्शन मैंने पढ़ी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में। कौन सी रिएक्शन? जो थी R2CD प्लस R-COCl। तो इसमें क्या होगा, 2R-COR प्लस CdCl2, यानी कैडमियम अल्काइल कैडमियम से, डाई अल्काइल कैडमियम से क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। किसकी रिएक्शन से? RCOCl की, यानी एसिड क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, यानी डाई अल्काइल कैडमियम और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन से क्या बनता है, कीटोन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में भी यही होगा। ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, डायल्किल कैडमियम है और एसिड क्लोराइड है, तो क्या बनेगा, इससे भी कीटोन बन जाएगा। तो इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, इस वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, ये अल्काइल ग्रुप, तो 2CH3CO CH2 C6H5, दो तो ये बन जाएंगे ग्रुप, प्लस CdCl2, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, CH3C CH, ये कौन सी है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसमें क्या होगा, वाटर ऐड होगा इसमें, यानी हम सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, वाटर को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में एल्काइन ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या लगाएंगे, सिंपली मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे कि जो OH नेगेटिव होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा, ट्रिपली बॉन्डेड उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। तो OH नेगेटिव किस पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा, और H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा, और एक बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा, यानी क्या होगा, ये बॉन्ड इधर को टूट जाएगा, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके साथ H जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, वह जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, CH3 COH CH2, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। ये क्या है हमारा, इनोल फॉर्म है और ये टोटोमेरिज्म के बाद ये क्या देगी, अपने आप कीटो फॉर्म देगी। क्या बनेगी कीटो फॉर्म इसकी, ये एच यहाँ से यहाँ चला जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा हमारा, CH3 CO CH3, यानी हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रोटोलुइन प्लस CrO2Cl2, पहले इसकी रिएक्शन CrO2Cl2 से कराएंगे और फिर H3O पॉजिटिव, यानी इसका क्या करेंगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करा देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये वाली इस वाली रिएक्शन हमने क्या पढ़ा है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, CH3 ग्रुप का ऑक्सीडेशन करने के लिए, किसमें, CH2 में, यानी CrO2Cl2 जो होता है, इसमें क्या होगा, पहले CH3 ग्रुप से क्या बनेगा, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन से या हाइड्रोलाइसिस से क्या बन, सॉरी उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल जाएगा, CHO ग्रुप मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये वाली रिएक्शन किसके लिए यूज़ होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 ग्रुप टू CHO ग्रुप। तो सिंपली क्या होगा, CH3 ग्रुप से किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा हमारा, CHO and NO2। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बात आपको हर एक चैप्टर में काम आएगी
कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, उनके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। जितने इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही ज़्यादा उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होंगे। तो सिंपली किसी भी कंपाउंड का या किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड के जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पर डिपेंड करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट नहीं होता। ये क्या होते हैं, पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो इनके मेल्टिंग और इनके नॉन पोलर होने की वजह से इनमें कोई डायपोल डायपोल अट्रैक्शन नहीं होता, इनमें केवल वीक वंडरवाल ऑफ फोर्स होते हैं। तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यानी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें केवल क्या होगा, वीक वंडरवाल फोर्स। तो इसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, केवल वीक वंडरवाल फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेलो एल्किन्स की या हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स में क्या हो गया, हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। हेलोजन ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप आने की वजह से क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आ जाता है। यानी वांडरवाल फोर्स भी होगा और उसमें क्या क्या होगा, वांडरवाल फोर्स होगा प्लस वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ईथर की अगर हम बात करते हैं, ईथर में क्या होता है, ईथर में क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप आ जाता है, ऑक्सीजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी ज़्यादा होती है। तो ये क्या होता है, इसमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो होता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह से क्या होंगे, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होगा, और ज़्यादा पोलैरिटी आती है कीटोन्स, ऐसे ही कीटोन्स में और भी ज़्यादा पोलैरिटी आती है। तो जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और उससे क्या होगा, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखते हैं, अल्कोहल में डायपोल डायपोल वीक वंडरवाल फोर्स भी होगा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी होगा प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। तो इसमें क्या होगा, तीनों चीज़ होंगी। तो इसमें क्या होगा, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी ज़्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में और भी ज़्यादा वीक, और भी क्या, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा होते हैं। तो इस सीक्वेंस को हम याद रखेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस हमें आगे भी जो क्या होगा, जो सभी चैप्टर्स हैं हेलो एल्केन्स, यानी जब हमसे क्या होगा, दो डिफरेंट क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स में कंपेरिजन पूछा जाएगा, जब दो डिफरेंट क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स में हमसे कंपेरिजन पूछा जाएगा तो उस कंपैरिजन के लिए हमें इस सीक्वेंस को याद रखना होगा। तो इस ये सीक्वेंस अगर हमें याद होगा तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस आंसर को या उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, फिर हेलो एल्केन्स, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन्स, फिर एल्कोहल्स और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन सब में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि जब हम दो डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो उनके मोलर मास सिमिलर होना चाहिए। यानी अगर हम कहें कि सिमिलर मोलर मास या कंपेरेबल मोलर मास का, कंपेरेबल मोलर मास के ईथर और हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, ईथर का मोलर मास ज़्यादा होगा। ऐसे ही कंपेरेबल मोलिकुलर मास के अल्कोहल और ईथर में क्या होगा, अल्कोहल का मोलर मास ज़्यादा होगा। ऐसे ही कंपेरेबल मोलर मास के अल्कोहल और कीटोन या अल्कोहल और एल्डिहाइड में क्या होगा, अल्कोहल्स का मोलर मास ज़्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन और ईथर से तो ज़्यादा होते हैं, जबकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं। तो सिंपली इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका इनका रीज़न याद रखना है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है, यानी वांडरवाल फोर्स भी होंगे, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी होगा और उसके साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ऐसे इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, और वो बाकी चीज़ आपने जो 11th क्लास में पढ़ी भी थी कि जैसे जैसे क्या होगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, यानी अगर सेम क्लास ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे दो डिफरेंट हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करते हैं तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा
उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, यानी जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। तो अगर सेम क्लास ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट मोलर मास का पूछा जाता है, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, और अगर डिफरेंट सेम मोलर मास के डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड में पूछा जाता है, तो इस सिक्वेंस के बेस पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन हेलोअल्केन और ईथर से तो ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो केवल वीक वैन डर वाल फोर्स होते हैं, हेलोअल्केन्स में वैन डर वाल फोर्स होते हैं और वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, जबकि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, ज़्यादा पोलर होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। और हम क्या कहेंगे कि जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है उनसे, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में केवल वैन डर वाल फोर्स और वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, जबकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में इन दोनों के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। तो इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी में क्या देखेंगे हम इसमें, जैसे जो लोअर मेंबर्स होते हैं इसके, जैसे मीथेनल इथेनल प्रोपेनोन प्रोपेनल, ये क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं वाटर के अंदर, और इनकी सोल्युबिलिटी होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन मोलर मास। इसका रीज़न क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स आपने ऐसे तो पढ़ा है लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो जो क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड्स है, वाटर एक पोलर सोलवेंट है, तो इसके अंदर पोलर कंपाउंड ही डिजोल्व होते हैं। दूसरा, वे कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वो वाटर में और भी ज़्यादा डिजोल्व होते हैं, और भी ज़्यादा सोल्यूबल हो सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, पोलर तो ये हैं ही, और इसके साथ साथ ये क्या है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, और हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा या जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, इनकी सोल्युबिलिटी जो होगी वाटर के अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी। लोअर एल्डिहाइड्स आर पंजेंट स्मेलिंग, जबकि यानी जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं वो पंजेंट स्मेलिंग होते हैं, जबकि जो जैसे जैसे इनके मोलिकुलर मास बढ़ाएंगे तो इनकी जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगी, लेस पंजेंट होती चली जाएगी और मोर फ्रेग्रेंट, यानी जैसे जैसे क्या बढ़ाएंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का, सॉरी एल्डिहाइड का मोलर मास बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम एल्डिहाइड्स का मोलर मास बढ़ाएंगे इनकी जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगी, लेस पंजेंट होती जाएगी और मोर फ्रेग्रेंट होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंटेक्स क्वेश्चन 12.3, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। कौन कौन से कंपाउंड है ये, CH3CHO, CH2COH, CH3COCH3, CH3OCH3 और CH3CH2CH3, यानी एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन। तो जिस सीक्वेंस मैंने अभी बताया था, तो सबसे हाइड्रोकार्बन तो सबसे कम होता है इसमें। पहले तो हम देखेंगे मोलर मास, इनके मोलर मास सिमिलर होने चाहिए, इनके मोलर मास क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, तभी हम इनके सीक्वेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 12 और 12 कार्बन का कितना होता है, 12 एक दूसरा कार्बन, 12 दून 24, 24 और 4 28, 28 और 16 40, 44। यानी अगर इनके मोलर मास देखें तो CH3CHO का 44, CH3CH2OH 46, CH3OCH3 46, CH3CH2CH3 46। तो इनके जो मोलिकुलर मास है वो क्या है, कंपेरेबल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वही सीक्वेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे कम क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का होगा, फिर किसका होगा, ईथर का होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा, और फिर किसका होगा, अल्कोहल का होगा। तो सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोकार्बन, CH3, CH2, CH3, फिर किसका होगा, ईथर, CH3O, CH3, फिर एल्डिहाइड, CH3, CHO, और फिर सबसे ज़्यादा किसका होगा, अल्कोहल, CH3, CH2OH। रीज़न ये क्या है, पोलर, सॉरी नॉन पोलर है, वीक वैन डर वाल फोर्स है इसमें केवल, ये पोलर है तो इसमें क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी होगा। इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें क्या होगा,
क्योंकि डायपोल के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।